हेलो एवरीवन, एनपी इंग्लिश क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ नागेंद्र पांडे और आज हमारा टॉपिक है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का अफर्मेटिव और नेगेटिव हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। आगे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इंट्रोगेटिव पढ़ने वाले हैं। तो रूल वही है, पहचान वही है, रहा है, रही है, यानी कार्य का जारी होना पाया जाता है। तो जब वाक्य क्या से प्रारंभ हो रहा हो, हिंदी वाक्य में क्या से प्रारंभ होगा, तो अंग्रेजी में हम सहायक क्रिया से शुरू करेंगे। अब सहायक क्रिया इज एम आर सब्जेक्ट के अनुसार लगाते हैं, फिर उसके बाद सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर उसके बाद नहीं होगा तो नॉट लगा देंगे, फिर वर्ब लगा करके आई एन जी लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट। तो अनुवाद देखते हैं इसका, हम कैसे बनाते हैं। तो दिया है क्या अध्यापक नया अध्याय पढ़ा रहे हैं। तो अब अध्यापक, तो यहाँ हम द टीचर, अब यहाँ टीचर सिंगुलर नंबर में है इसलिए जो सहायक क्रिया है वह इज लगेगा। उसके बाद सब्जेक्ट के बाद नॉट, तो इसमें नॉट नेगेटिव नहीं है ये। उसके बाद तुरंत वर्ब आ जाएंगे तो पढ़ाना की अंग्रेजी होती है टीच, में आई एन जी हमको जोड़ देना है। अब क्या पढ़ा रहे हैं, तो नया अध्याय पढ़ा रहे हैं और न्यू लेसन। तो यहाँ इज लगते ही यह क्या समाप्त हो जाएगा और है उसके लिए लग रहा है ये भी समाप्त हो जाएगा। तो कोई भी जो सेंटेंस है क्या से शुरू होता है तो उस टेंस से संबंधित जो भी सहायक क्रिया होती है उसी को हम पहले लगा देते हैं और उसके पश्चात जैसा रूल होता है वैसे लिखते जाते हैं। सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर उसके बाद नेगेटिव होगा तो नॉट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं। फिर दिया है क्या तुम्हारे चाचा आ रहे हैं। तो यहाँ सब्जेक्ट का कार्य यानी आने का कार्य कर रहे हैं तुम्हारे चाचा, तो ये हो गया योर अंकल। तो सब्जेक्ट अंकल एक वचन में है तो इसलिए एक वचन में है तो पुनः यहाँ पे सहायक क्रिया इज लग जाएगा। आई होता तो एम लगता, बाकी बहुवचन में आर लगता है। तो इज योर अंकल, उसके बाद तुरंत क्रिया है तो हो गया कमिंग, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। फिर आगे है क्या सिपाही चोर का पीछा कर रहा है। तो सिपाही तो द पुलिसमैन। अब यहाँ ध्यान देना है अगर पुलिस होता तब तो बहुवचन होता है, लेकिन एक पुलिस का जवान है, आदमी है, तो एक वचन में है तो पुनः यहाँ पे सहायक क्रिया इज लग जाएगा। तो इज द पुलिस मैन, नॉट नहीं है, क्रिया है पीछा करना। तो पीछा करना का होता है चेज चाहे रन आफ्टर, तो रन आफ्टर लिखते हैं। रन माने भागना, आफ्टर माने पीछे पीछे, यानी पीछे पीछे भागना यानी पीछा करना। तो जब आई एन जी जोड़ेंगे तो एन के पहले यू है इसलिए एन को डबल कर देंगे और आई एन जी, यानी एक वावे लाने पर हम डबल अंत वाले अक्षर को कर देते हैं और आई एन जी जोड़ देते हैं। अब हो जाएगा रनिंग आफ्टर द थीफ। आगे है क्या हम सब सर्कस नहीं जा रहे हैं। तो अब हम सब प्लूरल नंबर में है तो प्लूरल नंबर में होने पर प्लूरल नंबर में सहायक क्रिया भी लगेगा तो इसलिए आर हो गया। यह नेगेटिव में है तो सब्जेक्ट के बाद हमको नेगेटिव लगाना है जैसा रूल में मेंशन किया गया है। यहाँ रूल वही है कि सब्जेक्ट के बाद नेगेटिव होगा तो नॉट लगा देंगे, तो आर वी नॉट। उसके बाद क्रिया है जाना, गो। अब कहाँ जा रहे हैं तो गो के बाद एक प्रीपोजिशन लगता है। अगर किसी स्थान के बारे में जिक्र किया गया है कि जो सुनिश्चित स्थान है उसके बाद हम गो के बाद टू लगाते हैं फिर उस स्थान का नाम लिखते हैं। अगर अनिश्चित होगा जैसे वहाँ यहाँ इस तरह का है, गो टू देयर नहीं होता, केवल गो देयर होता, बाहर जाओ तो गो टू आउट नहीं होगा, गो आउट, क्योंकि निश्चित नहीं है वो बाहर में कहीं जा सकता है, इसलिए गो के बाद टू किसी निश्चित स्थान के लिए हम टू लगाते हैं। तो आर वी नॉट गोइंग टू, अब सर्कस, दी सर्कस लिख दीजिए, क्वेश्चन मार्क लग जाएगा।
आगे है, क्या ग्वाला दूध नहीं ला रहा है? तो फिर ग्वाला तो ये होता है मिल्कमैन। इसके आगे दी और मिल्कमैन एक वचन में है इसलिए यहाँ पे इज लग जाएगा, नहीं है तो फिर नॉट लिख देंगे। क्रिया है लाना तो ब्रिंग मने लाना होता है, ब्रिंग और उसी में आईएनजी जोड़ देंगे, ब्रिंगिंग मिल्क और क्वेश्चन मार्क। फिर आगे देखते हैं, अब जब प्रश्न पूछने वाले शब्द वाक्य के बीच में जब आते हैं तो अनुवाद बनाते समय उस प्रश्न पूछने वाले जो शब्द है यानी क्वेश्चन वर्ड, चाहे WH फैमिली का जो भी वर्ड है उसको सबसे पहले लिखते हैं, तो उसके पश्चात हम पुनः जो पुराना वाला रूल है सहायक क्रिया लिखते हैं, फिर सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर नहीं होगा तो नॉट, फिर वर्ब ING, फिर ऑब्जेक्ट। तो अब सेंटेंस हम पहले देखते हैं कि वह अपने पिता के साथ कहाँ जा रहा है, तो प्रश्न पूछने का जो कार्य है वह कहाँ से हो रहा है, तो अगर यहाँ से कहाँ हटा दिया जाए तो प्रश्नवाचक जो वाक्य है यह सीधे सकारात्मक वाक्य में बन जाएगा, वह अपने पिता के साथ जा रहा है। तो जिस प्रश्न से प्रश्न पूछने का बोध होता है उसको पहले लिखेंगे, तो कहाँ की अंग्रेजी हमने लिख दिया वेयर। अब जाने का काम वह कर रहा है तो वह एक वचन में है इसलिए सहायक क्रिया इज लग जाएगा। उसके बाद ही लग गया, नाट है ये नहीं है, क्रिया है जाना तो यह है गो और उसी में आई एन जी। तो वेयर इज ही गोइंग, वह कहाँ जा रहा है। उसके बाद यह अपने पिता के साथ, तो यहाँ प्रीपोजिशन आ गया है तो पहले इस प्रीपोजिशन को लिखेंगे, फिर जो भी बचा है नाउन और प्रोनाउन उसको, तो अपने की अंग्रेजी ही के साथ ही जो होता है उसके बाद हो जाएगा फादर, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे अंतिम में। लड़कियां ध्यान से कहानी क्यों नहीं सुन रही हैं, तो प्रश्न पूछने का काम क्यों से हो रहा है, तो क्यों की अंग्रेजी होती है वाई। उसके बाद लड़कियां बहुवचन में है तो बहुवचन में होने के कारण यहाँ आर लग जाएगा। नेगेटिव में है तो सब्जेक्ट के बाद नाट। फिर हम वर्ब लिखेंगे तो वर्ब है सुनना, तो सुनना का अंग्रेजी होता है लिसेन, तो लिसनिंग। अब क्या नहीं सुन रहा है या सुन रही है, तो ध्यान से कहानियाँ, तो कहानी का अंग्रेजी यहाँ हो जाएगा स्टोरी, और ध्यान से तो ये होता है अटेंटिवली। क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। फिर है कि हम सब यहाँ क्यों बैठे हैं, तो फिर प्रश्न पूछने का बोध हो रहा है क्यों से, तो हमने लगा दिया क्यों वाई। और हम सब, तो हम सब फिर प्लूरल नंबर में है तो उसके अनुसार सहायक क्रिया आर लग गया। क्रिया है बैठना, तो यहाँ देखिए रहा रही नहीं है, यहाँ भी रहा है, यहाँ भी रहा है, यहाँ रहा रही नहीं है, लेकिन बैठने का काम जारी है तो इसलिए जारी होने पर वह कंटिन्यूअस हो जाएगा, जैसे वह खड़ा है, बैठा है, सोया है, लेटा है, तो इस तरह से काम जब जारी होगा तो वह कंटिन्यूअस होगा, भले ही अंत में रहा है, रही है, नो आए। तो फिर यहाँ हम सब यहाँ क्यों बैठे हैं, तो वाई आर वी क्रिया हो गया बैठना, एस आई टी तो डबल टी हो जाएगा और आई एन जी। फिर यहाँ तो हियर, बाकी कुछ बचा ही नहीं है तो क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। आगे दिया है इस समय तुम कौन सी पुस्तक पढ़ रहे हो, तो अगर केवल होता कि कौन पढ़ रहा है तब तो सब्जेक्ट का कार्य करता, लेकिन कौन के बाद एक नाउन आ रहा है, कौन सी पुस्तक, तो इस तरह विच के बाद कोई ना कोई वहाँ पे उसके साथ नाउन आएगा तो उस नाउन को हम लिखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे कौन की अंग्रेजी विच और बुक हो गया कौन सी पुस्तक। अब पढ़ने का काम है तुम कर रहे हो तो तुम बहुवचन है तो हो गया आर, उसके अनुसार लग गया यू। विच बुक आर यू रीडिंग, उसके बाद है इस समय,
सो दिस टाइम क्वेश्चन मार्क। फिर देखते हैं कक्षा में कौन रो रहा है। अब यहाँ देखिए जो कौन है वही कर्ता का कार्य कर रहा है, इसलिए हु। अब हु के अनुसार हम सहायक क्रिया का प्रयोग करें क्योंकि इसके बाद कर्ता नहीं आएगा, यही कर्ता का कार्य कर रहा है, सब्जेक्ट यही है, इसलिए हु ही जब तुरंत क्रिया लग जाएगा रोना, तो वीप आई एन जी। अब कहाँ रो रहा है तो कक्षा में, तो इन द क्लासरूम। तो जितना अधिक से अधिक आप लोग इसका रिवीजन करेंगे उतना ही बेहतर से बेहतर ये आएगा। और हम फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए के गुड बाय।